नमस्कार दोस्तों, भूपेन्द्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उन्हें शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट फिर आपके बीच में हाजिर है कि NOC पर सुनवाई, कोर्ट से लाइव, एक और नई याचिका दाखिल जो कि उन्हें शिक्षक भर्ती में है। MRC चयन रिपोर्ट सरकार, OBC आयोग तक, उत्तर कुंजी पर मजबूत पक्ष और कॉमन अंक छात्र डबल बेंच में। दोस्तों, इन सभी न्यूज की डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आपके सामने लेकर आते हैं। दोस्तों, चलते हैं न्यूज की तरफ। दोस्तों आप सभी को बता चलें कि आज जो कि कोर्ट में 15वें नंबर पर जो कि अमित कुमार तिवारी के नाम से एक अन्य याचिका दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई मीनाक्षी सिंह परिहार जी इसमें करेंगे, जो कि कुछ ही देर में सुनवाई होने जा रही है। और इसमें जो NOC मुद्दा है वह बहुत ही प्रबल मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि ये NOC से लगभग 15,000 छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सिंगल बेंच से NOC पर जो 68,500 में जो शिक्षक बने हुए हैं वो NOC पर जीत हासिल कर चुके हैं, तो उसी के संदर्भ में NOC को रोकने के लिए एक याचिका डाली गई थी जिसकी आज सुनवाई होने वाली है। और इसकी सुनवाई शीघ्र ही आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। लगभग 12,000 से लेकर 15,000 छात्र इससे प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं जो सेकंड मेरिट की आस लगाए बैठे हैं उन अभ्यर्थियों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और दोस्तों आप सभी को बता चलें कि कोर्ट में एक और अन्य याचिका भी डल चुकी है कि साथ साथ में, क्योंकि इस भर्ती में का रुख अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एक याचिका समाप्त नहीं हो चुकी है, दूसरी याचिका इसमें पहले से तैयार हो चुकी है। दोस्तों, वह याचिका जो कि EWS पर है, जो कि स्वर्ण जाति के लिए 10% का आरक्षण दिया गया था, किंतु इस भर्ती में वह लागू नहीं हुआ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो कि स्वर्ण जाति से लोग हैं उन्होंने ईडब्ल्यू एस की के संदर्भ में एक याचिका दाखिल की कर दी गई, जिसमें वे अपना 10% आरक्षण इस भर्ती से वे मांग रहे हैं। और MRC चयनित रिपोर्ट सरकार, आप सभी को बता चलें कि कल पिछड़ा वर्ग आयोग ने MRC मुद्दे को लेते हुए कल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और साथ में सरकार से उसकी जो MRC से चयनित छात्र हैं उन सभी की इसमें रिपोर्ट मांगी है कि कितने छात्र ऐसे हैं जिनको MRC के तहत इसमें चयनित किया गया है। और कहीं ना कहीं OBC वालों का इस भर्ती में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 15,000 आयोग द्वारा 15,000 छात्र ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि OBC के हैं, जो कि इस भर्ती से वो प्रभावित हो रहे हैं। और उत्तर कुंजी पर मजबूत पक्ष, आप सभी को बता चलें कि कल ऋषभ मिश्रा की जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट से खारिज होकर उसको पुनः डबल बेंच में भेज दिया गया है। और जो छात्र 2 या 3 नंबर से इसमें रह गए हैं वे अपना पक्ष अगर डबल बेंच में मजबूती के साथ में नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को इस भर्ती से अपने आप को बाहर होता पाएंगे। अब देखना होगा कि इस भर्ती में कि इतना खास क्या होने वाला है। और जो कॉमन अंक हैं, एक याचिका कॉमन अंक को लेकर दाखिल किए, आप सब जानते हैं कि सरकार द्वारा 3 कॉमन अंक सभी के लिए दिए गए थे जो कि उन वे मिलने लायक भी नहीं थे, तो उनके संदर्भ में एक याचिका उस पर दाखिल की जा चुकी है। दोस्तों, ये थी न्यूज जो हम आपके सामने लेकर आए। और शीघ्र ही NOC मुद्दे पर शीघ्र ही कोर्ट में सुनवाई होने वाली, जैसे सुनवाई होगी उसकी अपडेट हम आप सभी को तुरंत दे देंगे। और जो भाई चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी का भूपेंद्र सिंह।